नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना है सभी को। आज 22वां नंबर का कैप्सूल आएगा जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरा फिनिश, ठीक है ना, पूरा का पूरा खत्म, एकदम सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझते हुए। और जो लेवल रखा हमने हिस्ट्री का, वो आपके जेएसएससी से एक स्टेप हमने ऊपर ही रखा। मतलब सवाल छूटने का आपको मौका मैंने नहीं दिया। मतलब जिस छात्र ने कैप्सूल को फॉलो कर लिया है, यकीन मानिए आपका सवाल नहीं छूटेगा हिस्ट्री के सेक्शन में, क्योंकि अब हम लोग हिस्ट्री खत्म कर लेंगे आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद एक कैप्सूल केवल आएगा जिसमें मेडाइवल में आपका मुगल एम्पायर को मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद मेडाइवल से भी आपकी टेंशन खत्म। एक कैप्सूल एंशियंट, क्योंकि एंशियंट से वेटेज कम रहेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, खास करके सिंधु घाटी, इतने से ही। और कुछ मगध वाला सेक्शन देख लेंगे अशोक का, इसमें आपका एक कैप्सूल में कवर हो जाएगा। या तो मैं वीडियो डाल दूंगा या मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने एंशियंट हिस्ट्री को 8 घंटे में पढ़ाया, 8 घंटे का क्लास लिया हूं इसी चैनल पे, तो उसका मतलब नहीं बनता ज्यादा उस पर टाइम देना। जो छात्र काफी सीरियस है, थोड़ा एक्टिव है, स्मार्ट वे में स्टडी करना जानते हैं या चाहते हैं, वो कर लेंगे। मेरा काम है आपको गाइड एक सही डायरेक्शन में दे देना, कंटेंट प्रोवाइड कर देना। अब देखिए, हिस्ट्री खत्म है आज। अब अगला टारगेट क्या, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी में हमने 50% कवर कर लिया दोस्तों, आर्टिकल 1 से लेकर के 51। इसके बाद आपका प्रीएम्बल खत्म है, आपका लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती नगर पालिका, बहुत अच्छे से चीजों को खत्म कर दिया। अब बचेगा 3 कैप्सूल जिसमें पॉलिटी खत्म होगी। मैं बता दे रहा हूं, आपका 52 आर्टिकल यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल में यानी कि लोकसभा राज्यसभा, एक कैप्सूल में खत्म होगा। फिर एक कैप्सूल में मैं क्या करूंगा, स्टेट को कवर करूंगा, यानी कि जो आपके स्टेट में गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक कैप्सूल में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बस पॉलिटी इससे बाहर आपको करके नहीं जाना। देखिए, मेरे कैप्सूल को कर लीजिए, टाइम मिलता है रिवीजन करने के बाद आप दुनिया भर की पुस्तकें मार्केट में है उसको पढ़िए। फिर अगला टारगेट ज्योग्राफी में हमने 20 से 25% कवर किया है, तो ज्योग्राफी में 5-6 कैप्सूल रहेंगे, तो इधर 8 से 10 कैप्सूल इधर हो गया, तो आपका ज्योग्राफी खत्म। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में आएंगे, 2 से 3 कैप्सूल इकोनॉमिक्स में दूंगा बस। और इधर हम लोग करंट अफेयर में तो 1 कैप्सूल मुझे देना है, और स्टैटिक में 3-4 कैप्सूल देके आपका और कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट याद करने, आप जैसे टेम्पल्स आपको याद करने, तो उसमें मैं आके वीडियो बनाना कोई आपके मतलब बेवकूफी वाली बातें होंगी वो सब, ठीक है ना, तो आपको वो कंटेंट ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, अब रही बात, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि ये कैप्सूल सीरीज इतना आसान इसे मत लीजिए, बहुत इस पे मेहनत लगा। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस देखिए, इसकी मोटाई देखिए, अगर ऐसे दिख रहा हो तो देखिए। और एक एक कैप्सूल है भाई, ये देखिए, ये पहला कैप्सूल हो गया ये, इसके बाद ये दूसरा कैप्सूल, ये तीसरा कैप्सूल है, ठीक है ना। ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा और दिखाऊं भाई, इसमें काफी मेहनत है, तो आपको लगता है ना कि ये वाकई कैप्सूल सीरीज काफी है। अगर आप इतना मेहनत तो पहले कर लीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये काफी है। ये देखिए, इस तरह से आपको कैप्सूल हमने बना बना करके आपको प्रोवाइड किया था, देखिए इस तरह से। और फाइनली आज हम लोग यहाँ पहुंच गए, और इसमें अभी और 15 से 16 कैप्सूल अभी और आएंगे। ये देखिए, एक बुक्स के बराबर है भाई ये, और इसमें आपका पूरा इंडियन जीके है, करंट अफेयर, स्टैटिक है, तो कोई बुक से भी हम लोग कम, मैंने कहा ना कि लेवल एकदम अच्छा रखा मैंने। अब देखिए, अगर अभी आज का देखिए ये कैप्सूल है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर कैप्सूल सीरीज से अगर सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है ना, मान के चलते हैं नहीं बनते हैं, तो भाई आपसे अगर नहीं बन रहा ना, जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, यकीन मानिए जितने और स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे होंगे, क्योंकि 30 सवाल में आपको 30 सवाल ना तो कभी एग्जामिनेशन में आएगा, 5-6 सवाल ऐसे होंगे ना कभी बुक में देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा, ठीक है। तो टारगेट ही मैंने कहा था कि जिनकी कोई भी तैयारी नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि आप जीके पढ़ पाएंगे, मैं आपको 20 तक पहुंचा दूंगा। जो बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर लिए, तो मैंने कहा था कि आपका 1-2 सवाल इंक्रीज करवा दूंगा इस कैप्सूल में। तो देखिए, अगर हमने अपनी तरफ से जो चीजें दी है, अगर आप उसका 25-30% मेहनत करते हैं, यकीन मानिए अच्छा करके आइएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, कैप्सूल सीरीज को रिविजन करके जरूर जाइएगा, और उसके बाद आपको टाइम बचता है, बस केवल मैं कहूंगा कि करंट अफेयर में थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, क्योंकि करंट अफेयर में मैं बहुत कोशिश करके जितना कम हो सकता है मैं वही देने की कोशिश कर रहा हूं,
क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत कंटेंट हो गया है, 21 कैप्सूल, आज 22वां कैप्सूल जाने के बाद, तो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वेटेज दे दूं। फिर मेरा काम क्या रहा, क्योंकि मैं एक कैप्सूल में 6-7 घंटे का टाइम दे रहा हूं, काफी रिसर्च करके चीजों को एक जगह कलेक्ट करके हर एक पॉइंट को उससे कोरिलेट करके रखने में, तो मैं चाह रहा हूं कि आपके समय को रिड्यूस कर दूं ताकि आप दूसरे जगह टाइम दे सके और इस कंटेंट को प्रिंट निकाल के, मैं बार बार कर रहा हूं प्रिंट निकालिए। कितना पेज होगा भाई, हार्डली 150-120 पेज होंगे, कंप्लीट होते होते 200 पेज। अगर 1 रुपया भी प्रिंट निकलता है, मान के चलते 1 रुपया में तो नहीं होगा, कम ही हो जाएगा, तो 200 रुपये, और 200 रुपये हमारा कंटेंट आपको मिल रहा, 400 की इन्वेस्टमेंट। क्या आपको नहीं लगता कि करनी चाहिए? आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप करिए, वीडियो फ्री है, आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए और सबसे बेस्ट है वो, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपने तरफ के अपने एंड से काफी चीजें आपको फ्री ही रखी है भाई, पूरी वीडियो ही फ्री है, तो काफी क्या, पूरी ही चीजें फ्री है। तो भाई ये मैं सोचा कि आपको दिखाऊं ताकि आप भी मोटिवेट हो सके। और देखिए एक चीज होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं एक जगह आकर के रुकना ही पड़ेगा, एक जन पर, एक किसी सोर्स पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना, आपको उस पर रिले करना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। आप जब पूजा करते हैं तो आप में से क्या आपको वो वहां पे क्या भगवान महादेव जी दिख रहे होते? नहीं, लेकिन आपकी विश्वास ही है ना वहां पे। एक पत्थर को भी लोग पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि विश्वास है, अदरवाइज कोई लोग उस पत्थर को ऐसे ही उठा के फेंक देंगे। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज, जरूरी चीज है, तो विश्वास करिए और अपने पे विश्वास रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर, मैं अपने एंड से बहुत 100% दे रहा हूं। अब 20 नवंबर तक मैं आपको कैप्सूल दूंगा, मैं नहीं टालूंगा कि दिसंबर तक देते जा रहा हूं और कंटेंट ला दूं और मैं बोलूं कि अब मेरे ही कंटेंट्स आया, तो वो फिर मतलब नहीं बनेगा। जितना दूंगा सॉलिड दूंगा, आपको रिविजन करने का भी मैं टाइम दे रहा हूं 20 दिन, ठीक है? तो भाई दैट्स ऑल, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बाकी जिनको भी कंटेंट चाहिए, ग्रुप से जुड़ना है, आपको नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, 7909004902। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को मेरा, जय गुरु।